इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। बल्कि फसल आ चुकी हो और फिर बादल अपना रूप दिखाए और बरसे तो हानि ही हानि है ना। इसलिए दिन में सूर्य निकलने से भी क्या प्रयोजन अथवा उसका क्या मतलब, रात्रि में चंद्र बिंब भी निकले तो भी हमें क्या लेना, और फसल आ जाने पर बादलों से बारिश हो, जल बारिश हो तो भी हमें क्या फायदा, क्योंकि आपका मुख चंद्र तेजवंत है और इतना है न दिन में न रात में न अस्त होता न पुनः उदित होता, ये तो जब तक है तब तक हमेशा उदीयमान रहता है और प्रकाश पुंज विस्तीर्ण रहता है। ऐसा आपका मुख कमल है, दिव्य मुख कमल है, उस दिव्य मुख कमल की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने की है। और ऐसा दिव्य मुख कमल है जिस दिव्य मुख के दर्शन करने से हमारे अंतस में दिव्य सम्यक दर्शन रूपी रत्न उद्घाटित हो सकता है और होता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक देव दर्शन भी कारण बनता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में हमें गुरुओं का उपदेश भी कारण बन सकता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में देवर्दी दर्शन भी कारण बन सकता है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में नर की जीवों को जाति स्मरण और वेदना का सहना ये सब कारण बन सकते हैं। हम भगवान की भक्ति करें जिन बिंब दंश नैनो, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते हुए हे भगवान हमारा सम्यक दर्शन जागृत हो जाए, बस इसी सद्भावना से हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। और अंत में मानतुंगाचार्य कहते हैं ज्ञानम यथा त्वे विभाति कृतावकाशम हरिहरादिशनायकेश तेजस्वरण्मणिष याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणा। हे भगवान त्वयि आप में कृत अवकाशम संपूर्ण रूप से विद्यमान ज्ञानम, केवल ज्ञान विभाति से शोभित होता है, एवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु न, वैसा केवल ज्ञान हरिहर विष्णु शिवादि नायकों में देवताओं में देखने को नहीं मिलता। कैसी उपमा दी है, यथा जैसे मणिषु स्फुरन तेजः, मणियों में या रत्नों में पाया जाने वाला तेज महत्वपूर्ण इतना होता है, तथा उस प्रकार किरणाकुले अपि, किरणाकुल मतलब किरणों से व्याप्त होने पर भी कौन काच शकले, कांच के टुकड़ों में वैसी चमक कभी दिखाई नहीं देती। भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया था उनके जीवन व्यक्तित्व के परिचय में कि वे ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने जीवन में हरिहर आदि देवों के भी दर्शन किए होंगे, और जब कहीं उनका मन तृप्त नहीं हुआ, खोजते 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 चले गए और कहाँ पहुँचे, वीतराग जिनालय में पहुँचते हैं, और वहाँ जब उनके दर्शन करते हैं तो उनका मन बोल उठता है मन्ये वरम हरिहरादैव दृष्टा, हमने अन्य हरिहरादि को देखा अच्छा हुआ, देखा हम उसको अच्छा मान रहे, क्यों, क्योंकि उन सब में हमारी तृप्ति नहीं हुई, तभी तो हम खोजते खोजते आपके पास तक पहुंच पाए। अब आपको देखने से क्या लाभ कि अब हमें कहीं जाने का मन ही नहीं होता, मतलब आप इतने प्रभावंत हैं, इतने आकर्षक हैं,
इंद्रियों के लिए आकर्षक नहीं, मात्र नेत्रों के विषय नहीं, आप तो हमारे लिए गुणों के माध्यम से ऐसे हमारे हृदय वेदिका पर विराजमान हो गए कि अब दूसरा कोई भी देव हमें आकर्षित नहीं कर सकता। यही विषय यहाँ पर बतलाया गया है। और इस तरह से आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने स्तुति की है और कहते हैं, जैसा शोभित होता प्रभु का सपर प्रकाशक, हरिहरादि देवों में वैसा कभी नहीं हो सकता भान, अति ज्योतिर्मय महारत्न का जो महत्व देखा जाता, क्या वह किरणाकुलित कांच में अरे कभी लिखा जाता। भगवान की भक्ति करते हुए एक घंटे का समय कैसे व्यतीत हो जाता है पता भी नहीं चलता है। आपके सामने तो घड़ी है नहीं, मेरे सामने घड़ी है, मैं एक दो बार नज़र इसलिए बस डाल लेती हूँ कहीं इनको आकुलता ना हो जाए। मुझे तो कोई आकुलता नहीं होती, लेकिन आपको आकुलता ना हो जाए इसलिए घड़ी पर दृष्टि पहुँच जाती है। और हम ऐसे भगवान की स्तुति करते चले कि जीवन कब व्यतीत हो रहा है हमें पता भी ना चले, कोई आनंद यात्रा के साथ हमारा यह जीवन सफल हो, इसी सद्भावना से सभी का जीवन आनंदमय व्यतीत हो, ऐसी सद्भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आचार्य परमेश जी गुरुवत विद्यासागर जी महामुनि महाराज की आज की सुप्रभात कालीन वेला में हम सभी पुनः उपस्थित हुए हैं अपने अंतरंग में भगवान आदिनाथ की स्तुति करने का भाव संजो कर। कोई भी एक श्रेष्ठ और अच्छा व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत, अपने सुप्रभात काल की शुरुआत अथवा अपने किसी भी कार्य की शुरुआत अपने इष्ट देव, इष्ट गुरु और इष्ट उपदेश का स्मरण करके कर। कोई भी बिना प्रयोजन के किसी के द्वारा कार्य नहीं होता, यहाँ तक कि नीतिकारों ने कहा है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन के बिना अज्ञानी व्यक्ति भी किसी कार्य को नहीं करता, फिर ज्ञानी किसी कार्य को बिना प्रयोजन के करे यह सोचा भी नहीं जा सकता। मंद बुद्धि हो फिर भी अच्छे कार्य करे तो उसके जीवन की सार्थकता है, अधिक बुद्धि हो श्रेष्ठ कार्य न करे तो जीवन की कोई सार्थकता एवं सफलता नहीं होगी। आचार्य मानतुंग स्वामी जी स्वयं जब भक्तामर स्तोत्र का शुभारंभ करते हैं तब श्री आदिनाथ भगवान जी को नमन करते हुए अपने स्तुति करने का प्रयोजन स्वयं बताते हैं कि हे भगवान आदिनाथ स्वामी जी, मैं आपकी स्तुति किस प्रयोजन से कर रहा हूँ। आप सभी को ख्याल में होगा वह श्लोक जिस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी जी की भक्ति करने का, उनके द्वारा भक्ति किए जाने का प्रयोजन बतलाया गया है। 7 नंबर का वह काव्य है, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयम उपैति शरीर भाजम। उन्होंने कहा हे भगवान, आपकी स्तुति करने से जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण भर में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे अमावस्या की रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों के प्रसारित होने पर क्षण भर में ही
नष्ट हो जाता है। इस प्रयोजन को, इस उद्देश्य को लेकर के ही आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भगवान आदिनाथ स्वामी जी की स्तुति की है। वे अथवा कोई भी भक्त, कोई भी आचार्य कभी भी अपने अहंकार के भाव से भगवान की स्तुति नहीं करता, और जो अहम भाव को लेकर के, अपनी अहमियत को लेकर के, उसको उद्देश्य बना करके यदि भक्ति करने का प्रयास करता भी है ना, तो उसे कभी अपने नेत्रों से, यहाँ तक कि अंतर्ज्ञान नेत्रों से भी उसे कभी भगवान की स्तुति करने का अवसर और उनके गुणों का दर्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबको विदित है कि भगवान और भक्त के बीच में अगर अहंकार की दीवार खड़ी हो गई ना, तो भक्त को भगवान कभी नज़र में नहीं आ सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान की भक्ति किसी अहंकार के वश होकर के नहीं की जा रही है। और कहते हैं कि किसी चमत्कृत होने की दृष्टि से भी भक्ति नहीं कर रहा। कोई चमत्कार मेरी भक्ति में घटित हो जाए, किसी चमत्कार के घटित करने के उद्देश्य से कोई भक्ति करे, ऐसा नहीं। ये बात अलग है कि भगवान की भक्ति करते करते आपके विचार, आपके विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध भावों के प्रभाव से कोई चमत्कार घटित हो जाए, सो ऐसा तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सभी को विदित है कि जिन्होंने एकाग्र चित्त से भगवान की भक्ति की है, वे स्वयं अपने जीवन में चमत्कृत होते हुए देखे गए हैं। लेकिन चमत्कार का उद्देश्य बना करके कोई भक्ति नहीं करता। हाँ, इतना अवश्य है कि बाह्य भौतिक चमत्कार को उद्देश्य में नहीं रखते, किंतु अपनी चैतन्य चमत्कार की दृष्टि को रख करके जरूर भक्ति करने का प्रयास करते हैं और प्रयोजन बनाते हैं कि हे भगवान, मेरी चेतना में कोई चमत्कार जागृत हो जाए, जिससे आपके समान रूप स्वरूप के सौंदर्य को मैं भी प्राप्त कर सकूं। इस उद्देश्य को लेकर के आचार्य, इसी उद्देश्य को लेकर के ज्ञानी जन, विद्वान जन भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने भी शांति भक्ति जब लिखी, कहा जाता है कि दृष्टि आच्छन्न हो गई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। उन्होंने भगवान की भक्ति प्रारंभ की थी और उसकी शांति भक्ति के प्रथम श्लोक में ही उन्होंने कहा, न स्नेहाच्छरणम प्रयान्ति भगवन् पादद्वयम् ते प्रजा, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निजेहा संसार घोरारणवः। अर्थात हे भगवान, मैं कोई स्नेह के कारण आपके चरणों में नमस्कार करने नहीं आया हूँ। मैं किसी चमत्कार से चमत्कृत हो करके मैं आपके चरणों में भक्ति करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन हे प्रभो, ये संसार दुखों का समूह है, जहाँ देखो, जहाँ जिसको देखो उसको मात्र जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ाएं दिखाई देती हैं। उन समस्त संसार के और चतुर्गति के दुखों से भयभीत होकर के मैं उन सभी दुखों से अपने आप को निष्कासित करने के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, हे भगवान, आपकी अपनी दृष्टि मेरे ऊपर प्रसन्न कीजिए। और इस भावना से उन्होंने प्रसन्न दृष्टि की चाह रखी कि उन्हें स्वयं जो आच्छादित दृष्टि थी वह उद्घाटित हो गई और भगवान शांतिनाथ भगवान की स्तुति का चमत्कार उनके जीवन में देखने में आ गया। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी हैं, उन्होंने आप्तमीमांसा ग्रंथ लिखा। उस आप्तमीमांसा ग्रंथ में आप्त भगवान की अर्थात सच्चे देव की मीमांसा करते हुए और भक्ति का भाव समर्पित करते हुए उन्होंने फिर कहा
कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में भक्ति करने के लिए इसलिए नहीं आया हूँ कि आपका ये सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने दिव्य समोसरण रचा है, इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं आपकी भक्ति करने आया हूँ, सो बात नहीं है। आपके इस समोसरण में असंख्यात देव देवियों का समूह उपस्थित है, इसलिए मैं भी आपके इस समोसरण में उपस्थित हुआ हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपके शरीर का कितना तेज है कि हजारों सूर्यों का तेज भी जहाँ फीका पड़ जाता है, आपके ऊपर तीनों लोकों के स्वामी के प्रतीक के रूप में छत्र और आपके महासाम्राज्य सम्राट के रूप में चवर 64 चवर ढुर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति करने आया हूँ, आपके समव शरण में आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और असंख्यात देव देवगण देवीगण यहाँ उपस्थित हैं, पशु भी उपस्थित हैं, सभी उपस्थित हैं, दिव्य वैभव उपस्थित हैं, इन सब की ओर कहीं पर भी मेरी दृष्टि नहीं है। तब फिर प्रश्न उठता है कि आखिर आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने किन भावों से भक्ति की थी, किस प्रयोजन को लेकर के उन्होंने भक्ति की थी कि एक पाषाण से भी चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे। तब हमें समाधान प्राप्त होता है उस आप्तमीमांसा ग्रंथ की एक कारिका से कि दोषावरण योर हानि। हे भगवान, आपकी चेतना से दोषों और कर्मों के आवरण नष्ट हो चुके हैं, आप किसी भी प्रकार के दोष और आवरण से सहत नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपना सच्चा आप्त और सच्चा देव समझ करके आपके चरणों की शरण में आया हूँ और आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ। हर किसी भक्त ने, चाहे वो आचार्य हुए हो, चाहे वो विद्वान हुए हो, कोई भी संत महात्मा हुए हो, कोई भी श्रावक हुए हो, सभी ने किसी न किसी प्रकार के अपने अच्छे समीचीन लक्ष्य को लेकर के समीचीन देव गुरु शास्त्र की भक्ति की है और उसका सफल परिणाम उन्हें प्राप्त भी हुआ है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भी भगवान आदिनाथ स्वामी की भक्ति बंधन से मात्र मुक्त होने के लिए नहीं, किंतु 48 बंधन थे ये तो जिनसे वे मुक्त हो गए, लेकिन इतना ही नहीं, 148 कर्मों के बंधन से भी मुक्त होने के उद्देश्य से उन्होंने भक्ति की थी। और उस भक्ति का परिणाम, उस भक्ति का चमत्कार उनके जीवन में घटित हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन, पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन, सम्यक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।